इनरव्हील क्लब गरेडे की ओर से अर्घाघाट स्थित क्लब की अध्यक्षा सुधा सिन्हा के आवासीय परिसर में शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान क्लब की अध्यक्षा श्रीमती सिन्हा व अन्य सदस्यों ने पर्यावरण के महत्व को लेकर कई जानकारियां दी। बताया गया कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, साथ ही वर्तमान समय में ऑक्सीजन की घोर कमी देखी जा रही है। दिन प्रतिदिन जंगल समेत लगाए गए वृक्षों को काटा जा रहा है, इसी का परिणाम है कि आज ऑक्सीजन की कमी पूरे देश को सता रही है। क्लब की अध्यक्षा ने बताया कि हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हर साल जितना हो सके उतना पौधा अवश्य लगाएं, ताकि हमें स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन मिल सके। कार्यक्रम के दौरान क्लब की ओर से पर्यावरण बचाव को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया गया। बताया गया कि यह वीडियो एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रभा रघुनंदन द्वारा बनाया गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से यह अपील की गई कि अपने जीवन में पौधे अवश्य लगाएं। दिस इज अ संस्कृत श्लोक फ्रॉम द मत्स्य पुराण विच टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज। दशकूपस समावापी दशवापी समो हृदः, दशहृदः समो पुत्रो दशपुत्रो समो द्रुमः। अ पॉन्ड equals 10 wells, a reservoir equals 10 ponds, a sun equals 10 reservoirs, and one tree equals 10 suns. पर्यावरण का जरूरी है संरक्षण, वरना प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भीषण भक्षण। Dare to be a force of nature. धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। मैं इनरव्हील क्लब की अध्यक्षा सुधा सिन्हा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं पूरे गिरिडीह वासियों को इसकी शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूं कि आज ये महामारी प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, सबसे बड़ा कारण है वृक्ष को काटना। आज ये वृक्ष को काट करके नए नए मकानों के का निर्माण जो हो रहा है, सबका कारण वही है। ये आज जो महामारी कोरोना वायरस आई है, इसमें सबसे पहले लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जो अपने ऑक्सीजन की जिनके शरीर में कमी हो जा रही है, वो अपने अपने जीवन को भी समाप्त कर दे रहे हैं। इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है।